वेलकम टू बग सॉल्व। ओके, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एंगुलर प्रोजेक्ट इन अ सिंपल वे एंड हाउ टू रन, हाउ टू बिल्ड इट एंड हाउ टू ओपन ऑटोमेटिक इन ब्राउजर। ओके, यूजिंग सिंपल कमांड्स ओनली। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी सभी से, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो से 1% भी आपको समझ आया हो, कुछ अच्छा सीखा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, एंगुलर के लिए चाहिए सबसे पहले नोड। सो नोड हमने पिछले वीडियो में इंस्टॉल करनी बताई थी, एंगुलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी बताया था। ओके, किस तरीके से हमने इस एंगुलर इंस्टॉल की थी, नोड इंस्टॉल की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ज़रूर दे दूँगा। सो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आप एंगुलर को बहुत ही ईजी वे में, कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से इंस्टॉल कर सकें। ओके, तो वीडियो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू क्रिएट एंगुलर प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एंगुलर CLI का वर्जन दिखा देना चाहता हूँ। ओके, ng वर्जन होता है सिंपल कमांड इसके, एंगुलर CLI वर्जन 13.3.5 एंगुलर CLI वर्जन, एंड नोड इज अपडेटेड 18। ओके, हमारे पास एंगुलर CLI वर्जन 13 है। ओके, सो इसको क्लोज करते हैं पहले तो। ओके, मैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंगुलर के नाम का, इसको साइड करते हैं। सो मुझे इस फोल्डर पे जाना है, तो इसको ओपन करने के डिफरेंट वेज भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम CMD से जा सकते हैं, या डायरेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके CMD ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक लॉन्ग वे बता देता हूँ, शॉर्ट वे भी बता देता हूँ। ओके, तो हमने एक जो CMD खोली अपनी, LS टाइप किया, लिस्ट टाइप की, जैसे कि यहाँ पर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स मूवीज पिक्चर सब कुछ आ रहा है। इब किस में जाना है, CD स्पेस टैब पर क्लिक करो, डेस्कटॉप आ रहा है डेस्कटॉप। ओके, यहाँ पर LS चेक करो, एंगुलर प्रोजेक्ट हमारा है। इब CD एंगुलर। ओके, इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम कमांड टाइप कर देंगे ng new एंगुलर प्रोजेक्ट। ये तो एक लॉन्ग वे हो गया, ठीक है, हमको तीन कमांड लिखनी पड़ रही है, तो ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कोई इजी सा देखते हैं। सो अगर आप मैक यूज़र हो तो प्लीज़ इस पे राइट क्लिक कर दीजिए फोल्डर पे, और न्यू मैक ऐड फोल्डर पे जाइए, ऑटोमेटिकली इस फोल्डर में ओपन आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ng न्यू प्रोजेक्ट, एंटर कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ये आएगा, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। एंगुलर राउटिंग कुछ नहीं होता है, जो URL होता है ना ब्राउज़र पे, उस URL को मैनेज करते हैं एंगुलर राउटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही ज़्यादा ही है, मतलब कि ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो यस पे क्लिक कर देना, कई बच्चे इसको नो भी कर देते हैं, उनको फिर मेन फाइल में काम करना पड़ता है और वो फाइल बहुत लेंथी हो जाती है, तो हम थोड़ा लूजली चलते हैं, ठीक है, एंटर। ये भी यहाँ पर आ जाता है चार तरह की फाइल्स CSS की, फर्स्ट CSS, SCSS, SACSS एंड लेस। तो मैं प्रेफर करता हूँ सेकेंड वाली चूज़ कीजिए, SCSS बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी ये होती है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि एक पैटर्न में फॉलो होता है, ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा। ओके, प्रेस एंटर। अगर आप विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही स्टेप है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ओके, ये कुछ सेकंड्स लेता है प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने में, प्रोजेक्ट रेडी करने में। ओके, अब ये डिपेंड करता है मेनली आपके सिस्टम पे, कि आपका सिस्टम कैसा है।
अगर आप मैक यूज़र हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे इब हो गया है, ठीक है। अगर आप विंडोज़ हो, विंडोज़ में अगर आपके पास SSD है तो अच्छे से बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास SSD नहीं है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, अब हम इसको तैयार करते हैं। मैं एक बार आपको फोल्डर में दिखा देता हूँ अपन करके, एंगुलर प्रोजेक्ट के नेम से क्रिएट हो गया और यहाँ पर ये फाइल्स भी आ गई है। सो LS पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एंगुलर प्रोजेक्ट, तो ज़रा इसको क्लियर कर देते हैं। LS एंगुलर प्रोजेक्ट, ओके। तो इसमें जाना है तो CD स्पेस टैब एंगुलर प्रोजेक्ट आ गया, एंटर प्रेस करो, ये आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्ट, तो अब इसको रन करते हैं। तो ng ये कमांड कॉमन है, बट सबसे स्टार्टिंग में जो कमांड यूज़ होती थी वो क्या है, npm start। npm start जो होती है पहली ऐसी कमांड है इसकी जिससे हर कुछ रन हो जाता है। इसको एंटर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाएगा ng serve पे। ये देखना, तो यहाँ पर ng serve लिखा रहे, ये तो गलत हो गया। इवन ये कुछ नैनो सेकंड इसमें भी ले लेता है, ठीक है। तो डायरेक्टली ng serve -o एंटर प्रेस कर दो, रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इवन कुछ मिली सेकेंड्स इसमें यूज़ हो गए, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गया रेडी, देख सकते हो आप, ठीक है। ये अगर आप इसको विजुअल स्टूडियो को ओके दो जगह हो गए तो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना चाहते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करोगे, ओपन फोल्डर करोगे तब जाके होगा, बट हम CMD से सिखाएंगे आपको, ठीक है। इसको बंद करो पहले, सर्वर को क्लियर कर दो, प्रेस करो CODE कोड स्पेस डॉट, एंटर प्रेस कर दो, विजुअल स्टूडियो कोड अपने आप ओपन हो जाएगा, कुछ नहीं करना आप। ये देखो अपने आप एंगुलर प्रोजेक्ट फोल्डर में ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर देते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद नीचे एक टर्मिनल आ जाता है और वहाँ पर कमांड टाइप कर देते हैं ng serve -o। तो भाई ये हो गया दोबारा से रन, इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके वर्क कर रहा है। इफ आप चाहते हो लाइव चेंजेस कि यहाँ देखो, यहाँ पर तो बहुत सारा मतलब ये आ रहा है बट मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम इस फाइल को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, सोर्स में जाना है, ऐप में जाना है। यहाँ पर आपके पास app.component.html फाइल है, इस HTML फाइल के अंदर जो भी है सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना। यहाँ पर देखना अपने आप ही रिमूव हो गया, समझ गए ये कैसे होगा। यहाँ पर फाइल सिस्टम पे जाके ऑटो सेव ऑप्शन है, अगर आप फाइल में एक एक वर्ड के अंदर एक अल्फ़ाबेट का भी चेंजेस करते हो तो भी ये ऑटोमेटिकली सेव होगा, उसी वक्त ही सेव हो जाएगा, आपको कंट्रोलर इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं है, ओके। या मैक में बोलो कमांड एस, ठीक है। अब मुझे कुछ टाइप करना है, वेलकम टू बग सॉल्वर। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे हो रहे हैं वह अपने आप ही ब्राउज़र पे शो हो गया, अपने आप ही सेव हो गया और अपने आप ही शो हो गया। फिर मैं यहाँ पर कुछ BR ऐड कर देता हूँ, ओके, ठीक है। मैंने BR ऐड कर दिए, अपने आप सेव हो गया। इफ मैं यहाँ पर H3 ऐसे करूँ, हेलो व्यूअर्स, देखो मैंने एक अल्फ़ाबेट चेंज किया तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट तक चेंज होगा, सेव होगा दोबारा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, इसको यूज़ करना बिल्कुल करना, बट इसको यूज़ करने से पहले अपने सिस्टम की थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना। अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ वाले के लिए बात कर रहा हूँ,
अगर आपके सिस्टम में SSD है विंडोज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके सिस्टम में SSD नहीं है तो प्लीज़ इस चीज़ को यूज़ मत कीजिए ऑटो सेव को, इससे सिस्टम आपका क्रैश हो सकता है। ओके सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है बहुत 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 धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत। और अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम लगी हो, कोई भी इशू आपको लगा हो तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करना, मैं उसको चेंज करूँगा, इम्प्रूव भी करूँगा उसको। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे।